सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से। मुझे बताते हुए गर्व होता है कि आज मेरी करीब करीब 18 लाख लोगों की टीम है, लेकिन थैंक यू। और मुझे इस सिस्टम में 16 साल हो चुके हैं, 16 साल 3 महीने। अभी कई बार मैं जैसे फ्लाइट में जा रहा हूं, ट्रेन में जा रहा हूं, तो कई लोग पूछते सर आप करते क्या हैं, तो मैं बोलता हूं मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। तो बोलते हैं कौन सी कंपनी, मैं बोला सेफ शॉप। बोला सर कितने दिन से, मैं बोलता हूं 16 साल से। तो लोग बोलते सर 16 साल से, 16 साल से एक ही कंपनी में, 16 साल से एक ही कंपनी में। तो मैं बोलता हां भाई एक ही कंपनी में। मैं बोला 16 साल तो मुझे हुए हैं, कंपनी को तो 18 साल हो चुके हैं। तो लोग एक ही डायलॉग बोलते हैं, जानना चाहोगे? बोलते सर आप बहुत लकी हैं, आप बहुत किस्मत वाले हैं कि आपको एक ऐसी कंपनी मिल गई जो 18 सालों से चल रही है। तो दोस्तों बड़ा सुकून मिलता है दिल को। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं कि अगर सेफ शॉप में आके और सेफ शॉप को पाके अगर ये ग्रेवाल लकी है, तो आप लोगों को भी सबको सेफ शॉप मिली हुई है कि नहीं मिली हुई? तो बताइयो जो भी शख्स यहां पे बैठा है इस हॉल में, सारे के सारे हम लोग लकी हैं, बहुत ही लकी है। जोरदार ताली हो जाए। थैंक यू। तो सारे लोग लकी हैं। तो दोस्तों जितेंद्र चौहान जैसे हीरे को तराशने वाले हमारे बीच में बहुत सारे लीडर बैठे हुए हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा मेरी 18 लाख लोगों की टीम है, उसमें से मुझे एक ऐसा आदमी छांटने का मुझे मौका मिले जो हमेशा सिस्टम को प्रायोरिटी देता है, जो हमेशा टीम को आगे बढ़ाने की सोचता है, जो हमेशा विनिंग एटीट्यूड रखता है, और जो हमेशा अपलाइन डाउनलाइन सबका सम्मान करता है, और टीम को आगे बढ़ाने के लिए साथ में लेके चलने के लिए सोचता है। और बेस्ट एटीट्यूड का अगर उसको अवार्ड मिले तो मुझे एक ही आदमी का नाम याद आता है दोस्तों 18 लाख में से, और वो एक नाम है मिस्टर माधव सिंह जी। चाहूंगा जोरदार तालियां माधव जी के लिए, जोरदार जोरदार तालियां माधव जी के लिए। खड़े हो गए दोस्तों। थैंक यू। और दोस्तों माधव जी के एकदम लेफ्टिनेंट की तरह, माधव जी के साथ में जिन्होंने लेफ्टिनेंट की तरह, उनके साथी की तरह, राइट हैंड की तरह जो सपोर्ट किया टीम को बढ़ाने के लिए, उनमें बहुत सारे हीरे नगीने सामने बैठे हुए हैं। अभी आप देख ही रहे हैं बहुत सारे टोपाज, पर्ल, रूबी और बहुत जल्दी डायमंड बनने वाले लीडर्स इस टीम में उभर के आ रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है ये टीम हिंदुस्तान की नंबर वन टीम तो है ही है, वर्ल्ड की नंबर वन टीम बनकर रहेगी, वर्ल्ड की नंबर वन टीम बनकर रहेगी। थैंक यू। और दोस्तों मैंने 2004 में पहली बार जेपी होटल में प्रोग्राम देखा था, और तभी मुझे विश्वास हो गया था कि जो बंदा जेपी होटल में किसी को डायमंड बनता हुआ देख लेगा और जेपी होटल का खाना खा के चला जाएगा और यहां से मुट्ठी बांध के चला जाएगा, उसको कोई डायमंड बनने से नहीं रोक सकता। रोकेगा क्या? और मुझे पक्का भरोसा है कि 1500 डायमंड आज मेरे सामने बैठे हुए बन के दिखाएंगे। पक्का माधव जी का मिशन है कि 10,000 डायमंड बनाने हैं। कितने डायमंड बनाने हैं? 10,000 डायमंड बनाने हैं। तो मैं माधव जी से चर्चा कर रहा था कि माधव जी 1,500 तो आपके इस हॉल में बैठे हुए हैं, 8,500 दूसरे और ढूंढ लेना, मजा आएगा कि नहीं आएगा? तैयार हैं? पक्का? मैं यहाँ पे मिलिट्री हॉस्पिटल आगरा में ही नौकरी करता था। एक्चुअली मैं रहने वाला हरियाणा का हूँ, रोहतक का, और यहाँ पे मैं मिलिट्री हॉस्पिटल में एज ए अकाउंटेंट क्लर्क की नौकरी कर रहा था। और क्लर्क की नौकरी करते करते मुझे 17 साल हो गए थे। कितने साल हो गए थे?
17 साल हो गए थे, 17 साल नौकरी हो गई थी। उस टाइम पे मैंने सेफ शॉप का नाम सुना। किसका नाम सुना? सेफ शॉप का नाम सुना। और जैसे ही सेफ शॉप का मैंने नाम सुना, मैंने देखा तो मुझे अंतरात्मा से एक चीज लगी कि यार यहां पे एक आशा की किरण है, जिंदगी बदल सकती है। और दूसरी जगह तो कोई मौका ही नहीं है, बदल सकती है कि नहीं बदल सकती है, हां कि ना। लेकिन जैसे प्लान देखी तो मैंने थोड़ा सा, जैसे हम लोग करते हैं नॉर्मली नखरे, जो भी प्लान देखता है, प्लान देखते समय सारे लोग ऐसे बोलते हैं, यस यस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन जब उसको लास्ट में बोला जाता है कैसा लगा, तो बोलता बहुत बढ़िया, बोला फॉर्म भरूं। तो ये डायलॉग बोलते ही आदमी कथक डांस करना शुरू कर देता है। कौन सा डांस करना शुरू करता है? कथक डांस करना शुरू कर देता है, या कुचिपुड़ी साउथ का डांस करना शुरू कर देता है। करता कि नहीं करता? कितने लोगों के साथ करता है? तो करता है, तो मेरे साथ भी किया, मैंने भी किया, आप लोगों ने भी किया होगा। तो मैंने बोला सर एक बात बताओ, इसमें आपने बोला है कि मिनिमम 2 लोगों को ज्वाइन कराना है क्वालिफाई करने के लिए। अगर मैं 2 लोगों को इसमें ज्वाइन नहीं करा पाया, तो 2 नहीं बना पाया, तो मेरे अप्लाई ने क्या जवाब दिया? जानना चाहोगे? जानना चाहेंगे? ये डायलॉग सबने सुना होगा, सही है। लेकिन मैंने भी यही सुना था, इसलिए आपको सुना रहा हूं कि उन्होंने बोला कि ग्रेवाल जी 2 लोगों को साथ में लेके चलना है, ज्वाइन नहीं कराना। मैंने बोला नहीं, 2 बनाने पड़ेंगे। बोला बनाना नहीं है, लोग बने बनाए पहले से घूम रहे हैं, आपको सिर्फ 2 लोगों को साथ में लेके चलना है। मैं बोला कुछ भी लगा लो, अगर 2 को मैं साथ में लेके नहीं चल पाया तो उन्होंने बोला कि भाई साहब ये बताओ, मुर्दा आदमी कभी देखा आपने जाते हुए अंतिम यात्रा के लिए? मैं बोला देखा। तो बोला कम से कम मुर्दा कितने लोगों को लेके चलता है? कितने को? 4। मैंने बोला 4 कम से कम होते हैं, अदरवाइज 5वां भी रहता है सामने, ओ हांडी लेके चलता है, ओम नाम सत्य है सत्य बोलो गत्य है, चलता कि नहीं? सही है। तो मैंने बोला सर मुर्दा मिनिमम 5 लोगों को लेके चलता है। तो उन्होंने बोला यार मुर्दे का 50% काम केवल 2 लोगों को साथ में लेके चलना है, क्या आप जिंदा होते हुए मुर्दे का 50% काम नहीं कर सकते क्या? तो थैंक यू। मैंने बोला कर तो सकता हूं। बोला फिर मना क्यों कर रहे हो? मैंने बोला सर मेरा मतलब यह है कि मेरे जो रूममेट हैं, 2 मेरे साथी हैं जो मेरे साथ में नौकरी कर रहे हैं, अगर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो फिर क्या होगा? तो उन्होंने बोला कि ये बिजनेस है, आपके साथी ज्वाइन करते हैं तो भी बढ़िया है, नहीं करते तो भी कोई बढ़िया है, अगर आपको इस बिजनेस को करना है तो आपका काम हो जाएगा। मैंने बोला कैसे हो जाएगा जब मेरे खास दोस्त नहीं करेंगे? तो उन्होंने क्या जवाब दिया जानना चाहेंगे? उन्होंने बोला कि जितने भी बड़े बड़े कॉरपोरेट हैं, चाहे अंबानी ग्रुप है, चाहे टाटा ग्रुप है, सही है, चाहे मारुति ग्रुप है, तो टाटा की सारी जो गाड़ियां हैं उसके रिश्तेदार और दोस्त लेते हैं क्या? अनजान लोग भी लेते हैं? तो बोला यहां बिजनेस है, आपका अनजान लोगों के माध्यम से भी ये बिजनेस चल सकता है। मैंने बोला सर फिर भी अगर वो 2 दोस्त नहीं आए तो फिर क्या होगा? तो उन्होंने एक कहानी के माध्यम से समझाया। कैसे समझाया जानना चाहते हैं? उन्होंने बोला अग्रवाल जी कभी आपने कंचा या गोली लोगों को खेलते हुए देखा क्या? तो कितने लोगों ने कंचा या गोली देखा है? कुछ लोग इंग्लैंड से हैं, वो हाथ ही नहीं खड़ा कर रहे। क्यों भाई, कंचा गोली नहीं देखा? फिर हाथ क्यों नहीं खड़ा कर रहे? चलो ठीक है। तो मैंने बोला सर देखा भी है और खेला भी है। तो बोला वो गड्ढा होता है उसको क्या बोलते हैं? यहां पर क्या बोलते हैं आगरा में? पिल्लो। चलो जो भी है, हरियाणा में पिल बोलते हैं उसको, ठीक है। तो बोला अगर एक गड्ढा है और उसमें आपके पास 2 एक गोली है, कंचा है, उसको उसमें फेंकना है, तो आपको क्या क्या लगता है उसमें डल जाएगा कि नहीं डल जाएगा? मैं बोला सर एक अगर गोली होगी, एक कंचा होगा, तो भगवान का नाम लेना पड़ेगा, उसमें डले भी नहीं भी डले, यस और नो? और बोला अगर 2 कंचे हैं तो, 2 गोली है तो? मैंने बोला फिर भी देवी देवता सारे याद करने पड़ेंगे, उसमें डले भी नहीं भी डले। लेकिन उन्होंने बोला कि अगर आपके हाथ में 150-200 गोली है या कंचे हैं और उसमें से 2-4 उसमें डालने हैं,
तो बोला डल जाएंगे कि नहीं डल जाएंगे? तो मैंने बोला सर आंख बंद करके फेंक दूंगा तो भी दो चार तो डल ही जाएंगे। यस और नो? यस और नो? तो उन्होंने बोला कि इस इंडिया में कंचों की और गोली की कोई कमी नहीं है। जो भी काले सिर वाला दिखता है कंचा है, चाहे महिला हो चाहे जेंट्स हो 18 साल से ऊपर, और आपने उसको लेके सिस्टम में डालना है। क्या करना है? सिस्टम में डालना है। सिस्टम की बाकायदा एक प्लान है, प्रेजेंटेशन है, उसको दिखाना है। आप वेन्यू पे भी दिखा सकते हैं, 1-to-1 में भी दिखा सकते हैं। तो मैं बोला चलो सर ये तो कर लूंगा, और मुझे लगा 150-200 में से तो कोई ना कोई दो चार तो डल ही जाएंगे, और मैंने ज्वाइन कर लिया। तो आप बताओ ज्वाइन करने के बाद क्या लोग लाइन लगा के मेरे साथ में आएंगे? क्या आएंगे? तो मैंने